अशोक तंवर की गाड़ी पर पथराव की फेक न्यूज का मामला चुनाव आयोग और निर्वाचन अधिकारी के दरबार में पहुंचा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि अशोक तंवर भाजपा पार्टी के लोकसभा सांसद उम्मीदवार हैं, जो कि सिरसा से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी कि उनकी गाड़ी पर पथराव हो गया, जिसको लेकर अशोक तंवर निर्वाचन अधिकारी के दरबार में पहुंचे। अशोक तंवर का दावा है कि उनकी गाड़ी पर कोई पथराव नहीं हुआ, किसी और नेता के वीडियो पर हुए पथराव को मेरी गाड़ी पर हमला बताया गया। अशोक तंवर का बयान सोशल मीडिया और विपक्षी पार्टियों के सोशल प्लेटफॉर्म पर की गई वीडियो वायरल गए। हरियाणा के कई यूट्यूबर्स और विपक्षी पार्टियों के सोशल प्लेटफॉर्म के खिलाफ अशोक तंवर ने चुनाव आयोग और सिरसा निर्वाचन अधिकारी को शिकायत दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी आर के सिंह ने जांच शुरू की। सुनिए क्या कहा अशोक तंवर ने इस पूरे मामले को लेकर और क्या कहा निर्वाचन अधिकारी आर के सिंह ने। ये कल का जो घटना है वो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे साथी के लिए, क्योंकि पूरे देश से, मैंने पूरे देश में काम किया है, कल शाम से पूरे देश से मेरे पास हजारों फोन आ लिए। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे कई मंत्री, हमारे सीनियर लीडर्स के फ़ोन आए। वो बड़े चिंतित हुए कि भाई आपके ऊपर अटैक हो गया, क्या हो गया मामला। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो वो जितने साथी हैं कि अशोक तंवर आप सबके आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से स्वस्थ है। आप देख सकते हो अभी मैं फिर मैदान में निकलूँगा। और उस वीडियो को इतने लोगों ने शेयर किया, ऐसा लगता है जैसे प्रायोजित कार्यक्रम था, क्योंकि एक चीज़ घटना हुए उसके बाद वो पूरे देश में वायरल हो जाए थोड़े से अंतराल में। वो कब की वीडियो है, किसकी है, क्या है, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन 3 साल पुरानी वीडियो को उठा करके एक दुष्प्रचार किया गया, तो ये कौन ताकते हैं। मैंने इलेक्शन कमीशन में कल रात को आकर के हमारे जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जिले के जो हमारे DC हैं, उनको ये सौंपी है। उसके साथ साथ कॉपी मैंने माननीय जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको भी दी है, हमारे जो पुलिस विभाग है उसको भी दी है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को दी है, जिले के SP को दी है, कि इस तरीके के माहौल बनाने से वो एक तनाव की स्थिति आ जाती है, एक कन्फ्यूज़न पैदा होता है, और IT Act के तहत जो भी धाराएँ हैं उसका संज्ञान लेते हुए जो हमारा IPC है उसके अंतर्गत जो भी धाराएं बनती हैं ऐसे लोगों के खिलाफ उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। इसमें बहुत से लोग हैं जो मैंने नाम भी लिए हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों में तो कई हज़ार हैं, मैं कितने लिखूं इसमें, लेकिन चाहे वो आम आदमी पार्टी के हैंडल हो, चाहे कांग्रेस के हैंडल, आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल हैंडल जिसमें 12 लाख उनके इंस्टाग्राम में वो फॉलोअर हैं, उन्होंने वो कर दिया, डाल दिया। वॉइस ऑफ यूथ है, इनके 54,000 से ऊपर फॉलोवर हैं, इन्होंने डाल दिया। फेसबुक पे वायरल मीडिया है 46,000, इन्होंने डाल दिया। सिरसा न्यूज़, अरे सिरसा वालों मेरे से ही पूछ लेते भाई, अब सिरसा न्यूज़ भी अगर डालेगी तो फिर कैसे काम चलेगा। सिरसा न्यूज़ 24,000, NSUI हरियाणा 24,000, शशांक जैन ये 7,000, करनौली वाले ये 5,000, इस तरीके से इंडिविजुअल भी बहुत हैं, ये इंद्रजीत शाह, अनूप मलिक, अमित जैन, चंद्रभान काजला, वैभव तिवारी ये आम आदमी पार्टी का है, खबरी लाल ये कोई यशपाल शर्मा जी हैं, और एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ये मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, पोल खोल खबर। भाई क्या पोल खोल खबर कर रहे हो आप यार, बताओ, फतेहाबाद का ये है, आपके पास कोई खबर ही नहीं है, क्या किसकी पोल खोलोगे। पोल खोलनी है तो चोरों की खोलो ना, डकैतों की खोलो, वो गादड़ गैंग की खोलो। गादड़ गैंग समझते हो गए, गादड़ गैंग है पूरा जो इकट्ठा हो गया है, जो ये सोचता है बार बार अशोक तंवर को फंसाएंगे, क्या फंसाओगे भाई मेरे को बताओ। मेरे को तो पूरा जो है संयुक्त रूप से इंडिया गठबंधन जो है कोई नहीं कुछ कर पाया, इसीलिए तो उनके पैर काँप रहे हैं, इसीलिए आज तक कैंडिडेट नहीं दे पाए हैं। तो इसलिए 25 दिन में पिछले लगातार 50 ऐसी फेक न्यूज़ चली। मैं आज 1 महीने बाद आपसे संपर्क कर रहा हूँ,
इससे पहले मुझे लगा कि चलो ऐसे ही चलता रहेगा, तो बहुत ही शर्मनाक है। आप तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, आप इनके ठगों के चक्कर में कहाँ फंस गए? कल रात्रि में 9:30 के बाद श्री अशोक तंवर, जो कि बीजेपी कैंडिडेट है, लगभग 50 व्यक्तियों के साथ मेरे कैंप कार्यालय के अंदर आए थे। उन्होंने एक 10 पेज की कंप्लेंट, 10 में से 2 पेज में रिटन में है और 8 पेज के अंदर फोटो, उसके साथ साथ एक पेन ड्राइव, जिसके अंदर उसने ये कहा है कि ये फलां फलां व्यक्ति, फलां फलां साइट मेरी फेक वीडियो बनाकर, पुरानी किसी की वीडियो लेके, और ये कह रहे हैं कि अशोक तंवर के ऊपर हमला हुआ। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो जिनको नाम नहीं जानता, वो समय समय पर हमारे को हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। उस पूरे प्रकरण को लेकर रात को ही हमने 3 कमेटी, यानी कि एक MCC जो हमारी कमेटी है, एक सोशल मीडिया सेल है, एक तहसीलदार इलेक्शन, उनसे इस पूरे मामले को स्क्रूटनाइज किया गया। साथ साथ वो कंप्लेंट हमारे SP को भी भेजी गई, SP सिरसा को भी भेजी गई, और उन्होंने भी अपनी टीम को साइबर सेल को लगाया हुआ है। मैंने उनको आज 4:30 बजे तक रिपोर्ट मांगी थी, 4 बजे तक रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी है, जिसमें ये स्पष्ट तौर पे बताया गया है कि ये साइबर सेल का मैटर है। जब तक हम ये एस्टैब्लिश नहीं करते कि ये वीडियो फेक है और कैसे कैसे बनाई गई है, कहाँ कहाँ बनाई गई और बना के किसने इसको सोशल मीडिया पर डाला है, जब तक हम उसके लिए क्रिमिनल एक्शन नहीं ले सकते। इसके लिए मैं अगले आने वाले 1 घंटे के अंदर एक पत्र हमारे ज़िले के SP साहब को लिख रहा हूँ, पूरी डिटेल के साथ, कि कृपया साइबर सेल के थ्रू इसको थोड़ा इन्वेस्टिगेट करा के, और जो भी रॉन्ग डूअर्स हैं या जिम्मेवार व्यक्ति हैं, उनके अगेंस्ट नियमानुसार कार्रवाई की जाए। हमारे लिए एक सोशल मीडिया सेल है, जिसके अंदर हमारे DIO हैं, एक हमारे प्रोफेसर हैं जो कि CDL मिस्टर बाजवा हैं, हाँ श्री सेवा सिंह बाजवा हैं। कोई भी इस प्रकार की वीडियो भ्रामक या जो किसी ऐसा आधार हो, जैसे किसी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्रीड के आधार पर लोगों को भ्रामक करना चाहती हो, उसके ऊपर हमारी नज़र है। आप भी हमें इस प्रकार की वीडियो जरूर प्रोवाइड करें ताकि हम उन पर कार्रवाई कर सकें।